पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुई हिंसा को लेकर दतिया में भी डॉक्टरों ने विरोध जताया। डॉक्टरों ने कलेक्टर बी एस जामोद को और पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती को ज्ञापन सौंपा है। सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने भी विरोध किया है। कोलकाता में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। घटनाओं के विरोध में 24 घंटे का पेन डाउन मूवमेंट जारी है। इसके समर्थन में मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे ओपीडी सहित सभी इमरजेंसी सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हो गई है। प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सुबह 6 बजे से ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है। वह केवल इमरजेंसी मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टरों ने सुरक्षा देने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि हम कुछ नहीं चाहते, काम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमें प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। इसमें IMA दतिया शाखा द्वारा भी उसके समर्थन में हम सब चिकित्सकों द्वारा ओपीडी कार्य को बंद रखा गया। हालांकि इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं अस्पताल में लगातार दी जा रही हैं, बंद से वो प्रभावित नहीं है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में जो मुख्य बात ये है कि पूरे देश में पिछले कई समय से इंक्लूडिंग दतिया बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार मारपीट की जा रही है और कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है। ऐसी घटनाएं ना हो, समाज इसके लिए संवेदनशील रहे, क्योंकि चिकित्सक भी समाज का अंग है। चिकित्सकों की आवश्यकता समाज को भी है, समाज को चिकित्सक की आवश्यकता है। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पढ़े लिखे परिवारों से निकले हुए बच्चे जो चिकित्सक